जय जगन्नाथ। नमस्कार, मैं आज नया रेसिपी लेके आया हूँ जिसका नाम है पनीर भुजी। चलो चलते हैं इसको बनाने के लिए। एक बर्तन में मैं कुछ मस्टर्ड ऑयल लिया, देखो अभी मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, कुछ टमाटर लिया, धनी पत्ता लिया, ओनियन लिया कटा हुआ और गैली लिया, ग्रीन चिल्ली लिया, कड़ा पत्ता लिया। अभी हम ओनियन उसके ऊपर डालते हैं। अभी ओनियन को थोड़ा फ्राई करेंगे। ओनियन जब लाल हो जाएगा, देखो लाल होते हैं, थोड़ा फ्राई करेंगे उसके, थोड़ा सा लहसुन डालते हैं उसके ऊपर, उसके बाद थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली डालते हैं। अभी इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे। देखो अभी फ्राई कर रहा हूँ, देखो अभी थोड़ा मेथी पत्ता डालते हैं। अभी थोड़ा टमाटर भी डालते हैं, कटा हुआ टमाटर डालते हैं, उसको भी थोड़ा मिक्स करके फ्राई करना एकदम। अभी चिल्ली पाउडर थोड़ा सा डालते हैं, लाल चिल्ली पाउडर। उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला डालते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालते हैं। पानी देने से थोड़ा ग्रेवी होगा। उसके बाद हम पनीर, टुकड़ा हुआ पनीर हम लिया, टुकड़ा हुआ पनीर को इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। अभी देखो मिक्स कर रहा है, देखो ये अच्छा लगेगा घर में बनाने से। अभी कड़ा पत्ता थोड़ा सा डाल दिया, कड़ा पत्ता डालने से टेस्टी थोड़ा आएगा और ज़्यादा, और फ्लेवर भी आएगा। उसके बाद थोड़ा सा टमाटर सॉस डालते हैं, थोड़ा सा देना, ज़्यादा नहीं, और बहुत अच्छा लगेगा। जो वेज खाते हैं और नॉन वेज उन दोनों को भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पानी दिया, अभी इसको हम मिक्स करते हैं। देखो हल्का सा स्लिम देके उसको छोड़ देते हैं। अभी तो उसको देखो हो गया, उसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डालते हैं। अभी हो गया रेडी। एक बाउल में मैं पनीर भुजी लिया, देखो अभी तो हमारा तैयार हो गया। हमारा कैसे लगा पनीर भुजी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके हमें बताना। जय जगन्नाथ। आज के लिए इतना।